छोड़ो यार, इस राजा को जब आना होगा आ जाएगा, इसका तो रोज का ही नाटक है। सेनापति, लगता है दुश्मन हमारे घोड़े की गर्दन काट के ले गया है, फौरन युद्ध की तैयारी करो। अरे महाराज उठिए, पहले अपना घोड़ा तो सीधा कर लीजिए। ओ टबक 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 टबक, अरे महाराज लगता है दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है। सेनापति गोदी, अरे कैसा महाराज है यार। महाराज अगर आपको इतना ही डर लगता है तो अपना पद छोड़ दीजिए। ओके सेनापति, अब हम शत्रु को अपना शौर्य दिखाएंगे। महाराज मैं तो कहता हूँ पीठ दिखाइए, अगर शौर्य पर भाला पड़ गया तो बैठेंगे कैसे। सेनापति गोदी, आप कौन है? शत्रु। शत्रु अंकल? शत्रु, सोनाक्षी कैसी है? खामोश, हम रियल शत्रु हैं। सेनापति, महारानी से कहो हमें तिलक लगाएं। अरे कैसा महाराज है यार, यहाँ युद्ध छिड़ा है और इसे मेकअप की पड़ी है, पहले तिलक लगवाएंगे फिर मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवा लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे हट महाराज, हमारे दरबार बंद होने का समय हो गया है। अरे हम शत्रु से लोहा लेने आए हैं। महाराज चिंता की कोई भी बात नहीं है, लगता है कबाड़ वाला है, महल में जितना भी लोहा लगकर पड़ा है सब निकलवा दीजिए। अरे लगता है तुम हमें जानते नहीं हो, सूर्य के समान जिसका तेज है, पर्वत के समान जिसका बल है, वो है हम। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़े। क्या टबक टबक लगा रखी है तुम दोनों ने, तुम दोनों दुश्मन हो। दुश्मन, हमारे बारे में भी बताओ दुश्मन को। जी महाराज, हमारे महाराज को गैस की प्रॉब्लम है, बीपी है और लूज मोशन भी है। सेनापति काठी, अरे अरे अपनी कायरता का नहीं वीरता का प्रमाण दीजिए। अपनी वीरता का प्रमाण हम खुद देंगे। अरे खुजली गढ़ वाले खुजली सिंह राजा का अपमान। तुम खुजली सिंह हो? खुजली गढ़ वाले मतलब तुम हमारे दुश्मनी वादाम हो। महाराज वादाम नहीं दामाद। अरे 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 ससुर जी, महाराज आप अपने दामाद को अपनी सारी प्रॉपर्टी देना चाहते थे ना, तो ये रहे कागजात, साइन कीजिए। अब हमारी बेटी का पति पाएगा हमारी संपत्ति। क्या हुआ सेनापति? इन कागजात पे साइन करके आपने हमें इस राज्य का राजा बना दिया है। धोखा। अब हम यहाँ बैठेंगे तो मैं हम कहाँ बैठेंगे? अपनी जगह खुद ढूंढ। अपनी जगह